हम इस टाइम हैं नियो स्टेशन हिसार में और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं नियो अक्रॉस इंडिया के सीजन 3 में। तो इस समय हम हैं हिसार हरियाणा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का सबसे बड़ा नियो व्हील्स का प्रीमियम नियो स्टेशन है जो कि है शुभ ट्रेडर्स। तो आज हम मिलेंगे शुभ ट्रेडर्स के ओनर गौरव जी से। तो चलिए गौरव जी से बात करते हैं और पता करते हैं यहाँ का मार्केट कैसा चल रहा है। और गौरव जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताएं सर। बस बढ़िया, मतलब कि आपका शोरूम तो बाहर से अमेजिंग एकदम नियो स्टेशन। तो गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शोरूम। बहुत दिन से, वैसे भी आना ड्यू था ही। बिल्कुल सर, लॉन्ग टाइम से ड्यू था आपका। लॉन्ग टाइम से बिल्कुल सर, मैं आया, आपने इतना बढ़िया न्यू स्टेशन बना रखा है, इतना प्रीमियम डिस्प्ले लगा रखा है यहाँ पर, हम देख ही सकते हैं यहाँ पूरा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ सर पहला क्वेश्चन यही है कि ये शुभ ट्रेडर्स की जर्नी आपने कब और कैसे स्टार्ट की सर? सर, शुभ ट्रेडर की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन 2015 से हम लोगों ने शुभ ट्रेडर को शुरू किया और जहाँ पे हम लोगों ने की एक छोटी सी सोच थी कि चलो हम कुछ टायर और अलॉय का काम शुरू करते हैं कि कैसा चलता है देखते हैं। उस टाइम पे इतना ट्रेंडिंग नहीं था अलॉय व्हील्स, बेसिकली हरियाणा की बात करूँ तो पंजाब में ट्रेंडिंग था पहले भी, और भी कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहीं था और हम भी थोड़ा बहुत रिटेल करते थे। बट धीरे धीरे हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने 3-4 टाइप के प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने रखे, बट धीरे धीरे हम लोग, पहली बात तो 2-3 साल बाद नियो व्हील्स पे शिफ्ट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। दूसरा, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ, जैसे हम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस साथ में आ जाता है, तो जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो हमने नियो व्हील्स को और थोड़ा सा पुश किया कि हम लोग और इसको सेल करें, और तो धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हम लोग आए। तो 4-5 साल से हम लोग पूरा हरियाणा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नियो व्हील्स का, और हमारा डीलर चैनल्स भी है, तो पूरे हरियाणा में हमारे डीलर्स भी हैं। तो सर जर्नी चल रही है और धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं और आगे की तरफ। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो ये वैसे ग्रोथ, मतलब लास्ट अपने 5-7 साल में ग्रोथ कैसी रही इस अलॉय व्हील कैटेगरी, नियो व्हील स्पेसिफिकली? सर बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, मतलब हम स्टार्टिंग के 2 साल की बात करें तो कुछ भी सेल हमारे पास नहीं थी, और आज हम अगर वहाँ से और यहाँ की जर्नी की बात करें तो हम 10 times बेटर हैं। और मार्केट ने भी बहुत, उस टाइम पे इतना अलॉय व्हील्स का इतना क्रेज़ नहीं होता था, बट धीरे धीरे अलॉय व्हील्स का क्रेज़ भी ज़्यादा हुआ है और नियो व्हील्स ने हमें बहुत इतने अच्छे अच्छे डिजाइन दिए कि हमने मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। नियो व्हील्स ने बहुत हम लोगों को आगे बढ़ाने में भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लाइक ब्रांडिंग है या सोशल मीडिया है, ये चीज़ें भी हम लोगों को प्रोवाइड किया है, तो जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। ग्रेट ग्रेट। अगर डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी। बिल्कुल सर। सॉरी, तो सर ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि पहले एज सच अलॉय व्हील का मार्केट नहीं था, नहीं। फिर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ देखी। Yes. तो इसके बारे में थोड़े बताइए कि क्या माइंडसेट चेंज हुआ है कस्टमर का, क्या हुआ, क्या है जो अचानक से जो कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करती थी अब एक तरीके से डिमांड आने लग गई है, सामने से कस्टमर आने लग गए? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। पहले तो परसेप्शन की बात करूं तो पहले कस्टमर ये सोचता था कि अलॉय व्हील से मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए या मेरी गाड़ी की एवरेज बहुत नीचे ना हो जाए, तो इसके बहुत से रीजन थे। बहुत से लोग उन्हें ऐसा माइंड सेट देते थे कि इससे तो अलाइनमेंट भी खराब हो जाएगी, बट धीरे धीरे वो कस्टमर एजुकेट हुआ है, उसे पता है कि अलॉय व्हील से ऐसा कुछ भी नहीं होता, इवन अलाइनमेंट बैलेंसिंग बार बार नहीं करवानी पड़ती है, बाकी चीज़ें भी मार्जिनली अच्छी ही होती हैं, ना कि गलत होता है कुछ भी। तो धीरे धीरे इसलिए भी अलॉय व्हील्स की डिमांड जो है इंक्रीज हुई है।
दूसरा हम लोग देखें कि अलॉय व्हील्स जो हैं किसी भी तरीके से गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो और डिज़ाइंस डे बाय डे हम लोग कस्टमर्स को डे बाय डे नए डिज़ाइंस दे रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को किसी भी तरीके का। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो 7 साल से 8 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ मेरे पास 20-20 गाड़ियों में गाड़ी अलॉय डलवा चुके हैं। और वो अलॉय क्यों डलवा रहे हैं, बार बार मेरे पास ही क्यों आते हैं, क्योंकि मैं उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहा हूँ। तो सर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था, जैसे आपने अभी बात की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मुझे ये भी जानना, तो मेरे व्यूज को भी जानना होगा ये चीज़ कि कई सारे मिथ हैं अलॉय व्हील्स को लेकर, चाहे वो ड्राइव रिलेटेड हो, चाहे वो एवरेज रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो। तो नियो एज अ स्टैंडर्ड एज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट इन मिथ्स को कैसे खत्म करता है? अगर मिथ की बात करें तो सबसे पहले तो नियो व्हील्स जो है वो मेड इन इंडिया है और BIS सर्टिफाइड है। क्योंकि अगर BIS सर्टिफिकेशन मींस क्या है कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसका एक स्टैंडर्ड लेवल है। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बना दिया। जब हमने काम शुरू किया तो हमारे पास भी 3-4 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास कि ये कोई और है, ये कोई और है और ये हमारा नियो है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया और हम आगे बढ़े तो वो बाकी जो थे वो साइड होते गए। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसमें हमें प्रॉब्लम फेस होती थी और नियो में हमें कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। कस्टमर को कभी नियो व्हील्स में प्रॉब्लम फेस ही नहीं हुई। जो हमने डाल दिया कस्टमर दो लोगों को और ले गया, भैया इनका अलॉय और डाल दो। ग्रेट, ये है सर स्टैंडर्ड, ये है क्वालिटी। और जहां पे हम ड्राइविंग की बात करते हैं या किसी बबलिंग इशू की बात करते हैं तो ऐसा नियो व्हील्स में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम नियो व्हील्स जो भी अलॉय बना रहा है वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा है कि ये गाड़ी पे, ये हम लोगों को कोई PCD में ऐसा नहीं है कि हम 10 होल बना रहे हैं या ऐसा नहीं, स्पेसिफिक PCD के हिसाब से अलॉय बनता है, जिसके कारण जो है जब भी हम किसी भी गाड़ी में अलॉय व्हील्स डालते हैं तो उसे में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ग्रेट ग्रेट सर, मुझे एक और चीज़ जाननी है। लास्ट फ्यू ईयर्स नियो व्हील्स हैज कम अप विद ग्रेट डिज़ाइंस, ठीक है, कुछ डिज़ाइन तो आप ही मुझे बता दीजिए कि कौन से जो लास्ट फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स में अच्छे फ्यू ईयर्स में। सर देखिए, हमारे पास स्नेक है, सूर्या है, रडार है, स्पोर्ट्स है, बहुत से डिज़ाइन ऐसे मैं नाम लूँगा आपको, पल्स है जो कि अलग ही कैटेगरी है। तो ऐसे ऐसे डिज़ाइंस नियो ने बनाए हैं और जो आज से नहीं पिछले 5 साल से बिक रहे, आगे 10 साल और बिकते रहेंगे। तो उस एंगल से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो नए डिज़ाइन एस्पेक्ट नियो के पास, सेफ्टी एस्पेक्ट था बिल्कुल, अब वो वैरायटी में डिज़ाइन एस्पेक्ट लेकर आ रहा है जो बेसिकली इंडिया में ट्रेंड कर जा रहा है। स्नेक मतलब कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट, एकदम ट्रेंडिंग सर, ट्रेंडिंग फर्स्ट डे से और आज तक ट्रेंडिंग नंबर वन पे ही है, चाहे किसी का कुछ भी आए। हाँ, लेकिन हमारा स्नेक जो है आज भी ट्रेंडिंग नंबर वन पे ही है, नंबर वन ट्रेंडिंग डिजाइन है। तो उसी में मैं जानना चाहूंगा कि लेटेस्ट में आपका फेवरेट कौन सा है सर? सर लेटेस्ट में हम इवन नया लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और आप बताएं तो हाइड्रा 17 इंच हाइड्रा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये डायमंड कट में बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है न्यू व्हील्स लेके आ रहा है। इसमें फिनिश भी आपको 3 फिनिश मिलेंगी, एक नई फिनिश भी मिलेगी इसमें आपको। हाँ, जो कि कैंडी ब्लैक फिनिश है हमारे पास। तो ये जो डिज़ाइन है ये कस्टमर को वैसे भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये 17x7 है। ओके, यस, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा, बहुत से कस्टमर आते हैं सर ये बाहर आ गया तो हमारा चलान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है, अब गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि अगर आपका व्हील ज़्यादा बाहर होगा तो उसको वो चलान के लायक होगा। तो हमने जो उस चीज़ों को देख के एक नया डिज़ाइन जो नियो ने बनाया है कि 17x7 जो गाड़ी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, जिसकी लुक बहुत अट्रैक्टिव लुक है, तो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आजकल आपका तो वो फेवरेट हो रखा है। मैं तो डालने वाला हूँ अभी गाड़ी। ग्रेट 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 सर, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैं जब आ रहा था आपके शोरूम की तरफ तो मैंने देखा कि बहुत गाड़ियों में अलॉय व्हील लगा हुआ है, काफ़ी में अपसाइजिंग कर रखी है, काफ़ी में व्हील बाहर निकल रहा है, एक से एक स्टाइलिश अलॉयज लगे हुए हैं। इसी में मैं सोचने लगा कि यहाँ के जो लोग हैं, या फॉर दैट मैटर कहीं के भी ऑल ओवर इंडिया, वो सिर्फ स्टाइल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अलॉयज को लेकर, सेफ्टी पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वो चाइनीज़ व्हील भी लगवा दे रहे हैं और वो नॉन सर्टिफाइड व्हील भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से सेफ्टी हैज़र्ड है, हैज़र्ड है सिर्फ उनके लिए नहीं, उनका परिवार जो उस गाड़ी पे चल रहा है। तो सर आप
कैसे अपने कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं इस बारे में कि स्टाइल के साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है? देखिए सर, हमारे पास बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं, सर आपका अलॉय तो ये 28,000 रुपये का है, मेरे को यही 24,000 में भी मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि उन्हें वो एजुकेशन नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं। तो उसी तरीके से हम उन्हें हर तरीके से बताते हैं कि हमारा अलॉय किस तरीके से सेफ है, और सिर्फ डिज़ाइन के साथ साथ हमारा अलॉय व्हील्स आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, आपकी ड्राइविंग सेफ रहेगी। आप आज 4,000 रुपये जरूर ज़्यादा लगा रहे हो, या 2,000 लगा रहे हो, या 10,000 लगा रहे हो, पैसा का मैटर हर कस्टमर के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए वो होता है। तो न्यू व्हील्स जब एक बार लगाता है कस्टमर, कोई भी डिज़ाइन लगाता है, क्योंकि क्वालिटी तो सेम है, उसने सिर्फ डिज़ाइन ही देखना है। तो एक बार अगर वो लगा लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि भैया ये क्वालिटी मैंने लगाई है, इसमें कोई इशू मुझे नहीं आया, ना कोई बबलिंग आई मुझे, ना किसी तरीके की टूटने की प्रॉब्लम आई मुझे, ना किसी और कोई प्रॉब्लम मुझे लगी। तो वो अगर हम कोई कस्टमर एक समझ जाता है तो फिर वो चार को अपने आप समझाता है, समझा देता है। तो ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे एजुकेशन जो है अलॉय व्हील्स के लिए कस्टमर्स की बढ़ रही है। सर, तो अभी हमने बात की वैरायटी, सेफ्टी, ये न्यू व्हील्स जो प्रोवाइड कर रहा है, एकदम वैरायटी ऑफ डिज़ाइन, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कस्टमर को एक ट्रस्ट भी चाहिए होता है ब्रांड्स। बिल्कुल सर, और स्पेशली एक प्रोडक्ट जिसपे उसकी और उसके फैमिली की लाइफ डिपेंडेंट है, तो एक ट्रस्ट तो चाहिए ही होता है, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट लें। बिल्कुल सर, ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग फ्रिज भी लेने जाते हैं तो सर भाई ट्रस्टवर्दी ब्रांड है कि नहीं, तो नियो कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहा है अपने कस्टमर्स के साथ? देखिए सर, सबसे पहले हमने बात की, सेफ्टी है ही, स्टैंडर्ड है ही, और डिज़ाइंस भी हैं हमारे पास। तो उसके बाद बात बचती है कि वारंटी। कस्टमर पूछता है भैया इसकी वारंटी क्या है? तो वारंटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से नियो हमारे हर अलॉय पे जो भी डिज़ाइंस हमारे पास हैं ऑल रेंज पे वारंटी देता है, कलर की, लीकेज की, और कुछ नए डिज़ाइंस हमारे पास हैं उनमें ब्रेकेज की वारंटी भी नियो व्हील्स देता है, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और कस्टमर का ट्रस्ट भी उससे बनता है हमारे पे। ग्रेट, ग्रेट। सो गौरव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सो बिफोर वी साइन ऑफ, मुझे और मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज सर गो अहेड। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी कस्टमर को कोई भी अलॉय व्हील्स की इंक्वायरी है, तो आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और हमारा डीलर भी है हमारे पूरे हरियाणा में, तो हम आपको वहाँ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो पूरे हरियाणा में कोई भी इंक्वायरी हो अलॉय व्हील्स के रिगार्डिंग, तो मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। किसी भी कस्टमर को न्यू व्हील्स की कोई भी रेंज चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल होगी, तो हमें ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।